मज़ा आता है पढ़ने में, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता, पिक्चर और मूवीज और देखता हूँ मैं, बट ज़्यादातर जो फिल्मों के बारे में, जैसे कि रॉबर्ट डी नीरो की ऑटोबायोग्राफी होगी वो मैंने पढ़ी है, मार्लन ब्रांडो की ऑटोबायोग्राफी, यूल बिजनेस पे भी एक कहानी है भाई, एक किताब लिख गई है, ज़्यादातर फिल्मों को लेके, बट ऐसी कुछ बुक्स हैं जैसे मैंने पहले भी कहा, एक तो कैचर इन द राय है जो जे डी सैलिंजर साहब की है, और ये जो पाउलो कोएलो की किताब है अल्केमिस्ट, बहुत अच्छी किताब है, बहुत इंस्पिरेशनल है। मुझे बुक रीडिंग्स बहुत पसंद है क्योंकि आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, एक तो आपके आपको कुछ याद करना नहीं पड़ता, आपके सामने है किताब, और यूजुअली आई ओनली डू बुक रीडिंग्स जो मुझे पसंद है, जो किताबें, और उसको आप जितना मर्जी कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जितना मर्जी कैरिकेचर कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ रीडिंग है, आप यू डोंट हैव टू टेक इट सो सीरियसली, तो मुझे बहुत मज़ा आता है बुक रीडिंग। बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है, फॉलोइंग योर ड्रीम्स के बारे में कहानी है, और जो भी कहानी है इंस्पिरेशनल हो और अगर वो अच्छी हो तो बहुत लोग उससे इंस्पायर होते, तो बहुत ही अच्छी। मैंने पढ़ा है क्योंकि ये किताब जो मैंने 10 साल पहले पढ़ी थी, जब ये आई थी किताब 10-15 साल पहले, तो मुझे बहुत प्रभावित हुई मैं इस किताब से, तो जब अश्विन ने पूछा कि हाँ आप करेंगी, तो मैंने सोचा हाँ, लेकिन मैं क्या सेक्शन करूँगी, तो मैंने थोड़ा फ्लिप किया और एक सेक्शन था प्यार के बारे में, कि कैसे हर एक इंसान के लिए एक जुड़वा इंसान होता है और उन्हें मिलेगा और प्यार मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस प्रकार के, और मैं प्यार को लेकर बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मैं उसकी फिलॉसफीज लेकर बहुत इंटरेस्टेड हूँ, कि हर एक इंसान का कोई ना कोई थियोरी होता है लव के बारे में। आई लव फोटोग्राफी, आई लव, मैं फोटोग्राफ्स में बहुत दिलचस्पी है मेरी, खींचने के भी और देखने के भी, जैसे कि ये बहुत ही खूबसूरत है, ऑल द फोटोग्राफर्स हैव अ वंडरफुल आई और बहुत अलग है, ऑलवेज अ प्लेजर, आई लाइक आर्ट वेरी मच, लेकिन मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, मुझे हर किस्म के आर्ट में अप्रिशिएट नहीं कर सकती, जैसे आर्ट लवर्स जो होते हैं वो हर एक पीस में कुछ ना कुछ उसका उसके गुण देख सकते हैं, उसकी उसकी पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, मैं वैसी नहीं हूँ, मुझे मॉडर्न आर्ट इतना पसंद नहीं है, लेकिन आर्ट के बिना ज़िंदगी क्या है, रुक ही रह जाएगी। Watch more, log on to www.erosentertainment.com.